और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त नंदलाल गुप्ता। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आजकल के बेरोजगारी की इतनी किल्लत है कि हर जगह सेटल हो पाना काफ़ी संभव नहीं हो पाता है, और आज के डेट में बिना स्किल के आप कहीं डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली यही सब देखते हुए मैं सीधे आ गया गोरखपुर में, और ये जो इंस्टीट्यूट किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैंने इनसे बात किया कि सर ऐसी कंडीशन है, क्यों ना थोड़ा हम लोग एक वीडियो के माध्यम से पब्लिक को जागरूक किया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब देखते हुए यहाँ आपको बताते चलिए, यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज कराए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर बात करें, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया और कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, एसी फ्रिज, मतलब इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज भी कराए जाते हैं। और आपको बताते चलिए, इनका जो कोर्स होता है पूरा ऑल इंडिया मान्य है, और ये कुछ जैसे गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं उसमें भी आप मान्य लगा सकते हैं, पूरे मान्य है। अब आगे चल के मैं सारा डिटेल आपको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आपको बता दूँ चलिए, यहाँ से कई बंदे जो काम सीख कर करके और विदेशों में जा करके अपना पर्चा लहरा रहे हैं। तो चलिए आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए यहाँ का ऑनर से बातचीत कर पूरी जानकारी लेंगे कि यहाँ के क्या सिस्टम है, यहाँ कोई एडमिशन लेना चाहते एडमिशन कैसे ले सकता है, और कौन कौन से कोर्स हैं, कितनी टाइमिंग, सारा डिटेल आपको एक एक करके मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। और चलिए आपको यहाँ का ऑनर, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फाइनली मैं यहाँ का ऑनर के पास आ गया हूँ, और चलिए इनसे बातचीत करके पूरी जानकारी लेंगे। तब तक लिए वीडियो में बने रहिए। हेलो सर, कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सभी लोगों का नमस्कार जी। और बहुत अच्छा किया आपने नंदलाल गुप्ता जी, आप भाई कम से कम होता क्या ना कि इससे जानकारी मिले। बहुत सारे लोग को पता नहीं कि कौन से कोर्सेज कहाँ चलते हैं जी जी। बहुत सारे लोग मोबाइल सीखना चाहते हैं या लैपटॉप सीखना चाहते हैं, एसी फ्री सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि सीखे कहाँ। उसी के बाद आपने बहुत बढ़िया प्रयास किया, बहुत बढ़िया काम किया, आज मेरे पास आ पाए जी। आपके लिए, मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि अपना अमूल्य समय मुझे जो भी 10-15 मिनट आप देंगे वो आप मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी, क्योंकि आपके माध्यम से कई लोग यहाँ पर आएंगे और रोजगार की तरीके से स्किल, जैसा पता है ना कि इस तरीके से काफ़ी लोग इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तो आप कैसे लोग सीखेंगे, अपना अपना एक प्लेटफॉर्म निश्चित करेंगे। और मैं चाहूँगा सर कि यहाँ का, वैसे तो आपका जो इंस्टीट्यूट किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में और यहाँ प्रॉपर एड्रेस क्या होने वाला, थोड़ा सा डिटेल हमारे व्यूअर के लिए बताइएगा। हमारे इंस्टीट्यूट का स्थापना बेसिकली 2006 में हुआ था जी। ये लगभग 17 साल हो गए हमारे संस्थान को जी। शुरुआत तो बहुत छोटा सा किया गया था, लेकिन धीरे 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 काफ़ी संख्या हो गई और काफ़ी बड़ा हमारा इंस्टीट्यूट हो गया। अच्छा। आज हमारे इंस्टीट्यूट में कई कोर्सेज चलाए जाते हैं जी, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप की रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, एसी फ्रिज की रिपेयरिंग और इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे ADCA, टैली, CCC, ओ लेवल, लैंग्वेज, DTP, DCA, बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं जी। अलग अलग कोर्सेज चलाए जाते हैं, चूंकि आज के दौर में देखिए, ध्यान दीजिए, तो पढ़ लिख करके भी लोगों के पास काम नहीं है जब तक स्किल नहीं रहेगा। 8,000-10,000 की नौकरी भी मुश्किल से मिल रही, उसी के तहत हम लोग ये चीज़ों को शुरू किए और चीज़ों को चला रहे हैं। जो बच्चे सीख लेते हैं, अपना कहीं दुकान खोल लेते हैं या किसी कंपनी में काम कर लेते हैं, या बहुत सारे बच्चे विदेश में भी जाते हैं, विदेश में काम करते हैं, इससे उनकी जीविका चलती रहती है। और चूंकि आज कहा जाता है ना, हुनर है तो कदर है, अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आपके अंदर कोई नॉलेज है, किसी चीज़ की काबिलियत है, तो आप बेकार नहीं हो सकते जी। सर मान लीजिए, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, जैसे हमारे व्यूअर हो सकता है कि लोकल को रहेंगे तो उनको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी हाँ, लेकिन कुछ ऐसे व्यूअर हम काफ़ी दूर दूर के होंगे, यहाँ पाएंगे तो उनको रूम की दिक्कत होगी, एडजस्टेबल कैसे कर पाएंगे, तो रहने खाने की व्यवस्था अवेलेबल करा देंगे या नहीं करा पाएंगे? जैसे हमारे पास हॉस्टल है, जो इंस्टीट्यूट हॉस्टल है आपके पास? हाँ हाँ, इंस्टीट्यूट के जस्ट 300 मीटर के रेंज में हमारा हॉस्टल है। अच्छा। उसमें रहने खाने की सारी व्यवस्था है। अच्छा। बहुत सारे बच्चे जो लोकल हैं उनका बस सीखने का फीस लगता है, जो बच्चे बाहर के आते हैं उनका रहने और खाने का शुल्क अलग से देना होता है जी जी। वो अलग से पेमेंट करके रहने का, जितना दिन रहना चाहे, मान ले कोई कोर्स एक महीने का, तो मान ले एक महीने रहेंगे तो उसका शुल्क देंगे रहने खाने का, प्लस ट्यूशन फीस देंगे, सीख के चले जाएंगे। किसी का कोर्स 2 महीने का, किसी का 3 महीने का, तो जितना दिन उनका समय लगेगा उतने दिन रह कर सीख सकते हैं। बाकी मोबाइल में अगर कोई एडमिशन लेता है, बाहर का कोई बच्चा है, तो मोबाइल में ये सुविधा हमारी फ्री है, रहना खाना फ्री है, हमारे जो ट्यूशन फीस है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपना लैब और सारे टीचर जो भी हैं एक बार उनका ब्यौरा दिखा दी, ताकि प्रेशर सबको बना रहे। दोस्तों देख सकते हैं ऑल इंडिया के पास कई सारे ब्रांचेज हैं। फिलहाल प्रेजेंट टाइम की बात करें, मैं आपको जो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स यहाँ पर आपको विजिट कराऊंगा, और जो स्टूडेंट हैं उनसे पूछेंगे कि मतलब डेमो का क्या सिस्टम, मतलब पूरी पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सर थोड़ा पास से आइएगा, और देखिए मैं सीधा आ गया हूँ अब मोबाइल रिपेयरिंग रूम में। अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्लास कर रहे हैं, और चलेंगे थोड़ा इनसे बातचीत करेंगे ताकि आप लोग को सारी चीज़ क्लियर पॉइंट टू पॉइंट होती जाए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी मोबाइल का कुछ ऐसा सर कुछ रेडी कर रहे हैं, जो भी पार्ट होगा मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए इन्होंने कितना बड़ा लेवल में, देखिए छोटा सा पार्ट यहाँ पर लगा हुआ, और थोड़ा सा डिस्प्ले भी देखिएगा सर,
इस तरीके से देखेंगे अपना इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसके थ्रू ये लोग पूरा प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। सर मैं जानना चाहूँगी अभी क्या करें आप? ये नेटवर्क आईसी इसका WTR, इसमें नो सर्विस की समस्या थी। अच्छा, उसको रिपेयर कर रहे हैं, वो आईसी चेंज कर रहे हैं। आईसी चेंज कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो क्लास है कितने टाइम तक चलती है कुछ, और इसका लिमिट बैच वाइज क्या है? जैसे बच्चों के टाइम के ऊपर है, कोई बच्चों के पास टाइम रहता है तो अपना सुबह से शाम तक रहते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि LLDN के ब्रांच कई सारे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा होगा, मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में अधिक चीज़ें आप लोगों को दिखाने की। स्टूडेंट अभी एक बैच में ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब पता नहीं सबका कोर्स अलग अलग है या सेम है, अब बात करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। और जैसे कि अंशु केयर काफ़ी फेमस है, आप लोग थोड़ा ये बता दीजिए कि अभी कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? मोबाइल रिपेयरिंग का। इसमें मतलब एडवांस लेवल है या बेसिक लेवल का? एडवांस, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। एडवांस लेवल तक। अगर पढ़ाई की बात करें, किस तरीके से पढ़ाई होती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होती है, हमारे सर जी जो लोग हैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। अच्छा, कितना दिन हो गया एडमिशन लिया आपको? हमको अभी सर एक हफ्ता हुआ है। एक हफ्ता, कितने टाइम का कोर्स है आपका, कितने दिन? दो घंटे का है, लेकिन सर 2 महीने का कोर्स है ये। बाकी वो मेरा 1 महीने हो गया। 1 महीना हो गया। अभी क्या क्या सीख चुके आप? अभी मतलब बेसिक में सब कुछ हो गया है, बस चिप लेवल बस बाकी है। चिप लेवल बाकी है, उसके बाद आपका दुकान या क्या जाना जॉब करना? हाँ यस, दुकान खोलना। दुकान। अच्छा, मैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, मैं सर के सामने मौजूद हूँ। और सर एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, ये जो कोर्सेज हैं थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कितने टाइम का कोर्स चलता है, कितने बैच में चलता है और क्या क्या लोग सीख चुके हैं, क्या क्या अभी सीखना बाकी रहता है। सर मतलब मोबाइल रिपेयरिंग का इसके बारे में डिटेल बताइएगा। मोबाइल रिपेयरिंग का जो कोर्स है, बेसिकली अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी पहले से दुकान होती है, काफ़ी कुछ जानते हैं उसके बारे में, फोल्डर निकालना, कनेक्टर निकालना, डिस्प्ले बदलना, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो जो काफ़ी जानते हैं उनको तो समय कम लगता है, लेकिन जो एकदम फ्रेशर हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है मोबाइल के बारे में, उनको समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। अच्छा अच्छा। तो जो जान रहे हैं उनका हो सकता है 15 दिन से लगाए 30 दिन में ख़त्म हो जाए, जो कुछ भी नहीं जानते हैं हो सकता है उनका 1.5 से 2 महीने लगे। अच्छा, इससे उनको थ्योरी प्रैक्टिकल के बारे में, अगर 1.5-2 महीने में भी कम्प्लीट कोर्स नहीं हो पाता है किसी भी बच्चे का किसी भी कारण से, हम लोग तब तक सिखाते हैं जब तक वो सीख नहीं जाता है। अच्छा। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सीखने का क्या है, हम लोग 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा सिखाते हैं, बाकी टाइम बच्चों को खुद प्रैक्टिस करना होता है, खुद करना होता है। अच्छा, बाकी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। किसी बच्चे की इच्छा 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा रहने की इच्छा है, लैब में प्रैक्टिकल करने की जरूरत है, वो रह के काम कर सकता है, उसे हमें कोई दिक्कत है, कोई मनाही नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। चूंकि हम लगातार अगर हम ही 10 घंटा पढ़ा देंगे किसी बच्चे को तो उतना बच्चा गेन नहीं कर पाएगा, इसलिए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाया जाता है। बाकी टाइम रहेंगे, टीचर रहते हैं, हम लोग रहते हैं, कंटिन्यू क्लास चलता रहता है, जो पढ़ाया गया रहता है उसी को इनको प्रैक्टिस करना होता है। चूंकि मोबाइल क्या ना छोटा सा PCB है, उसमें बहुत सारे पार्ट ऐसे ऐसे हैं जो नॉर्मल आंखों से दिखते नहीं, जो इसके थ्रू माइक्रोस्कोप के द्वारा करना पड़ता है। अब देखिए कितने छोटे छोटे पार्ट हैं, सब माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको क्या करना पड़ता है। इसमें प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है। मान लीजिए हम लोग का हाथ सेट है, हम लोग एक बार में उसको निकालेंगे और एक बार में लगा लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो कभी आयरन छुए ही नहीं, SMD मशीन का यूज ही नहीं किए, वो इस काम को इतनी जल्दी नहीं कर लेंगे, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी पढ़ाते हैं, बाकी टाइम उनको प्रैक्टिस करना होता है। और सीखने के बाद जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको हम बता दे रहे हैं, सीखने के बाद फ्यूचर में कभी भी कोई भी दिक्कत किसी को भी आती है तो हमसे आके मिल सकते हैं, पूछ सकता है। हम लोग क्या है कि मान लिया आज जो भी फीस ले रहे हैं उस फीस में आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन मोबाइल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अच्छा, आज जो हम सिखा रहे हैं 6 महीने बाद उससे बेहतर आ जाएगा। अच्छा, अब 6 महीने बाद फिर वो बच्चा आएगा हमारे पास, तो हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, कोई अपडेट लेना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, यानी कि लाइफ टाइम सपोर्ट होता है। जी, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आकर के मिल सकता है, या फोन के द्वारा पूछ सकता है, या हमारा सोशल मीडिया ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए बच्चे हैं, उन भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, कोई कोई बच्चा कमजोर होता है, कोई तेज होता है, जैसे आपने पूछा सीखने का समय, उसमें थोड़ा और क्लियर कर दें, कोई कोई बच्चे होते हैं जो अगर बेसिक कुछ भी नहीं जानते हैं तो 1.5-2 महीने में सीख जाते हैं, लेकिन किसी किसी बच्चे को जो थोड़ा कमजोर है मानसिक तौर पे, उसमें 3-4 महीने भी लग जाते हैं किसी किसी को, और कोई कोई बच्चा ऐसा भी है जो 15-20 दिन में ही सीख जाता है। हमें सबको सिखाना है, जो 15-20 दिन वाले हैं, जो 3-4 महीने वाले हैं, हम बिना सिखाए किसी को नहीं निकालेंगे।
सर जैसे मान लीजिए सीखने के लिए जो प्रैक्टिस लोग करते हैं तो एक एक इंस्टीट्यूट सबको अलग अलग मिलता होगा ना फिर? हाँ हाँ, सबके जो भी सीखने का है वो सबकी सामान अपने पास उनके पास होता है, खुद का उनका सामान होता है, इनकी बैग चलती फिरती दुकान है। ये जब यहाँ काम करते हैं तो यहाँ अपने सामान से काम करते हैं, फिर घर जाते हैं तो घर पे भी इनका सामान होता है, वो चलती फिरती इनका बैग चलती फिरती दुकान है एक तरह से। ताकि इसलिए किया गया है, कोई बच्चा अगर मोबाइल पा जाता है तो अगर घर पे समझ आए तो घर पे बना जा, नहीं बन पाया तो उस मोबाइल को बांधेगा लेके यहाँ आ जाए, यहाँ पूछ के बना दे। जी ठीक है, हमारे दो क्लासरूम है, एक क्लासरूम ये है और एक क्लासरूम इसके ठीक बगल में है। अच्छा, दो क्लासरूम है मोबाइल फ़ोन के जो सुबह 8 बजे शुरू होता है और शाम के 6 बजे तक लगातार चलता रहता है, यानी कि 10 घंटा लगातार इंस्टीट्यूट खुला रहता है मोबाइल सेक्शन का। कोई बच्चा चाहे तो लगातार 10 घंटा भी क्लास हमारे यहाँ कर सकता है, कोई किसी को रोक टोक नहीं है। कुछ और भी स्टूडेंट बैठे हैं, इन लोग से बात करेंगे। और सर कितने दिन से कोर्स कर रहे हैं आप? हम एक महीना होगा। एक महीना हो, एक महीने में आप क्या क्या सीख चुके हैं? जैसे कॉमन चीज, कॉमन चीज सारी चीज सीख चुके हैं। अभी कितना टाइम आप लोग सीख लेंगे? दो महीने सीख लेंगे ना एकदम कंप्लीट। और बाकी यहाँ कंडीशन सब सही है ना? पूरा एकदम सही है। वैसे कहाँ से आए आप? हम निचलोल से। निचलोल से आए, वैसे लोग एक बार बता कहाँ कहाँ से आप लोग आए थोड़ा सा बता दीजिए। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। बिहार, बिहार से? तो दोस्तों जैसे भैया बिहार से काफ़ी दूर से, और आप कहाँ से हैं? हम भी बिहार से सर। बिहार से आप भी कहाँ से हैं? हम गोरखपुर जिले से ही है। गोरखपुर। इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट हैं और मुझे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो सबके बारे में बहुत डिटेल नहीं ले पाऊंगा। बाकी व्हाट्सएप पे सारे इनका डिटेल मिलेगा। कोर्स के बारे में और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट आके यहाँ पे ले सकते हैं।